और वही है जिसने समंदर आपस में मिला रखे हैं यह है मीठा और मजेदार और यह है कड़वा और खारा पानी इन दोनों के दरमियान में एक हिजाब है और मजबूत आड़ कर दी है इस आयत में अल्लाह रबुल आलमीन ने कहा ताला ने दो तरह के पानी बनाए हैं एक मीठा और एक खारा पानी जो एक दूसरे को मिलने नहीं देता हिजरम महजूरा का बाद एहल ने माना किया है हरमह यानी इन दोनों को एक दूसरे पर हराम कर दिया है कि मीठा पानी खारे पानी से मिल जाए और खारा पानी मीठे पानी से मिल जाए इसको मना कर दिया है और बाज मुफरी नेर्जुमा किया है आएन, ताला ने दो तरह के पानी पैदा किए एक मीठा पानी और एक दूसरा खारा पानी मीठा पानी वो है जो नहरों चश्मों और कुओं की शक्ल में आबादियों के दरमियान में पाया जाता है जिससे इंसान फायदा उठाते हैं जिससे अपनी तमाम जरूरिया को पूरा करते हैं ये जो है नहरों का कुओं का और चश्मों का पानी जिससे इंसान फायदा उठाता है और उसको इस्तेमाल करता है और दूसरा खारा पानी वो है जो मशरक़ मग़रब में फैले हुए बड़े बड़े समंदरों में है कहते हैं ना कि जमीन का एक तिहाई यानी तीन हिस्से जमीन पानी है और एक हिस्सा खुशकी है चौथाई हिस्सा जो है इसका खुशकी का है तो ये जो तीन हिस्से पानी है ना इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खारा रखा है समंदर का पानी रुका हुआ होता है लेकिन उसमें मद्दो जजर इसी तरह से मौजों का तलातुम जारी रहता है समंदरी पानी के खारा रखने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी हमत है क्योंकि आप देखें मीठा पानी जो होता है ना वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता यानी ज्यादा दिन तक वो नहीं रहता वो खराब हो जाता है मीठा पानी उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं उसमें उसका रंग जायका मजा बदल जाता है उसमें तब्दीली आ जाती है और खारा पानी कभी खराब नहीं होता और इसकी जो है बदबू भी इसमें नहीं आती इसकी बो भी नहीं बदलती इसका रंग भी नहीं बदलता ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक कुदरत है अल्लाह ताला की एक रहमत है हम पर कि अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को खारा रखा है अगर मीठा पानी होता वो पानी खराब हो जाता उसमें कीड़े हो जाते तो सोचिए इंसानों का जमीन पर रहना कितना मुश्किल हो जाता और आप ये भी तो सोचे ना कि समंदर में कितने ही जानवर मरते हैं हाँ हर रोज कई हजार जानवर उसमें मरते हैं लेकिन वो उसी पानी में रह करके सड़ गल के खत्म हो जाते हैं उसकी बदबू नहीं फैलती यानी इंसान के लिए सोचिए कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल रबालमी की नेमत है कि अल्लाह ताला ने इस समंदर के पानी को खारा बनाया है और उसमें इतनी मेदार में खारापन रखा है कि जो इस बदबू को इस गंदगी को जायल कर देता है खत्म कर देता है और इससे उठने वाली जो हवाएं होती है वो भी साफ सुथरी हवाएं होती है उनका पानी भी पाक होता है कि उसका मुर्दार भी इंसान के लिए हलाल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी रहमत है कितनी बड़ी नेमत है और किस हमत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है समंदर का पानी खारा रखा है तो अजीज भाइयों अल्लाह आयत में अपनी एक नेमत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मीठा पानी और खारा पानी बनाया है और जिससे इंसान फ़ायदा उठाता और है और सोचिए समंदर का पानी जो खारा है उसमें कितनी बड़ी हिमत है अल्लाह रब्लिन की खारा रखने की कि मेरे और आपके लिए उसमें कितने फ़ायदे नादिन चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ हमारा आज का दूसरा मौजूद है अमल की फदीलत अमल की फदीलत में हम आज बात करेंगे कि बैतुलखला में दाखिल होते वक्त इंसान जो बिस्मिल्ला पड़ता है ना तो उसकी क्या फदील हैज़रत अली रजील्लावी हदी से बयान फरमाते है रसूल ने फरमाया कि जो शख्स बैतुलखला में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्ला पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनों की आंखों और औलाद आदम के सतरों के दरमियान में पर्दा हाइल कर देता है यानी जिन्हों की आंखों और इंसान के तो सतर के दरमियान में एक पर्दा हाइल हो जाता है आप बैतुल खला में जा रहे हैं आपने बिसमिल्ला पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हों से आपको महफूज रखेगा जिनों की आंखों से आपको महफूज रखेगा आपकी शर्मगाह को उससे छुपाए रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी इतनी बड़ी फजीलत है इसकी मुझे और आपको चाहिए कि हम इसका अहतमाम करें आमतौर भूल जाते हैं लोग नहीं भूलिए आप आप आदत बनाइए जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे ना और हमेशा आप अगर पढ़ने की आदत डालेंगे तो फिर इसको भूलेंगे नहीं तो नादरीन ये बहुत अहम है कि मैं और आप इन बातों को जहन में रखें और इन बातों पर अमल भी करें नादरिन मुझे दीजिए इजाजत इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें इस नंबर पर कॉल करें